कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है वो जयपुर सहित पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। घर घर मंदिर मंदिर कृष्ण जन्म का उल्लास छाया हुआ है। शहर के आराध्य जयपुर के जो आराध्य है गोविंद देव जी, जिनके नाम से ये जयपुर सिटी का देश दुनिया में जो नाम है वो प्रसिद्ध है, शहर के आराध्य है। कहा जाता है कि जो गोविंद देव जी है वो यहाँ के महाराजा भी हैं। हमारे साथ है दिया कुमारी जी, गोविंद देव जी है जिनको शहर का जो राजा माना गया है, इसके पीछे क्या मान्यता रही है, कैसे गोविंद देव जी के जो विग्रह है वो यहाँ पे आए हैं, ये इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, गोविंद देव जी का जो मंदिर है सबसे पहले स्थापना राजा मानसिंह जी ने करवाई थी वृंदावन में, और उसके बाद जयसिंह जी, महाराजा जयसिंह जी के समय, क्योंकि उस समय औरंगजेब शासक थे, मुगल एम्परर थे, और सब सारे मंदिरों को वो तोड़ रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो फिर जयसिंह जी ने गोविंद देव जी की मूर्ति जो थी वृंदावन में उनको वो यहां पर जयपुर लेके आए और सबसे पहले उनकी स्थापना की कनक वृंदावन में। उसके बाद उनको सिटी पैलेस लेके, जयपुर का उस समय निर्माण हो रहा था, जयपुर बस रहा था, फिर मूर्ति को लेके आए जयपुर में जहां पर पैलेस है अभी सिटी पैलेस, और जहां पर अभी सिटी पैलेस है सबसे पहले उनकी यहां पर स्थापना की। फिर उनको सपना आया कि मैं यहां नहीं रहना चाहता, मैं रहना चाहता हूं जहां पैलेस बन रहा है। फिर उन्होंने गोविंद देव जी की स्थापना यहां से लेकर उनको फिर वहां अभी जहां गोविंद देव जी है फिर वहां पर अच्छी तरह से स्थापना की और पैलेस को हटा के यहां किया जहां पर अभी सिटी पैलेस है। तो ये तो पूरी कहानी है। और उस समय एक मोहर भी निकाली जयसिंह जी ने, उसमें लिखा था गोविंद देव जी चरण सवाई जयसिंह शरण, जिसका मतलब था कि मैं आपके चरणों में हूं और मैं आपका दीवान हूं, आप राजा हैं जयपुर के और हम पूरा परिवार आपके पूरी तरह से समर्पित है, पूरा जयपुर आपके ही आपकी आप ही के अंडर है और आप यहाँ के राजा हैं और हमेशा रहेंगे, और आज भी हम उनको हमारे आराध्य देव भी मानते हैं और हमारे राजा जयपुर के आज भी हम लोग मानते हैं। राजा गोविंद देव जी को आज भी माना जा रहा है, जो परंपराएं हैं वो आज भी निभा रही जा रही है। ऐसी कोई परंपरा जो अपने पूर्वजों से चली आ रही हो और आज भी उसको निभाया जा रहा हो? जी देखिए, जो आपने देखा होगा कि चंद्रमहल में सिटी पैलेस में जो झंडा है वो जो पचरंगा वो गोविंद देव जी के लिए है, और वो सिर्फ गोविंद देव जी के लिए लगता है, वो राजा के लिए नहीं लगता है, वो गोविंद देव जी के लिए लगता है पैलेस के ऊपर, और उसके नीचे जो है वो राजा का झंडा होता है, जो महाराजा का झंडा पहले लगता था अभी भी लगता है। तो ये एक परंपरा है। बाकी जितने भी हमारे त्योहार होते हैं उसमें भी गोविंद देव जी जो पोशाक धारण करते हैं वही कलर्स की पोशाक हम लोग धारण करते हैं। सबसे पहले सुबह जो प्रसाद बनता है वो अलग से बनता है, वो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिटी पैलेस आता है। वैसे ही बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, नंद उत्सव में भी हम लोग पैलेस में अगर कोई होता है फैमिली मेंबर तो हम लोग वहां पर जाके भाग लेते हैं उसमें। और बाकी तो बिल्कुल हम लोग तो हर चीज में, हमारे हर फंक्शन में सबसे पहले गोविंद देव जी को ही आमंत्रित करते हैं, वहां पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद ही कोई अच्छी चीज करते हैं। तो बिल्कुल हमारे लिए तो सभी कुछ, हमारे एक परिवार के सबसे बड़े मुखिया गोविंद देव जी हैं और उनकी वजह से आज जयपुर सुरक्षित है, उनकी कृपा है जयपुर पे, उनका आशीर्वाद है परिवार पे और पूरे जयपुर पे। तो ये तो मुझे लगता है जयपुर का एक एक नागरिक मानता है, और ऐसे इतने श्रद्धालु हैं जो रोजाना अपनी दिनचर्या शुरू करने से पहले गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं। गोविंद देव जी यहाँ के कणकण में बसे हुए हैं, यहाँ के जो आम जनता है उसके कणकण में बसे हुए हैं, जयपुर के जर्रे जर्रे में गोविंद जी निवास कर रहे हैं। जयपुर से पत्रिका के लिए गिरिराज शर्मा।